खरगोन नेपाल संभागीय क्रिकेट संगठन इंदौर IDCA के तहत संभागीय T20 लेदर बॉल क्रिकेट स्पर्धा का उद्घाटन स्टेडियम पर क्रिकेट के सीनियर खिलाड़ी जितेंद्र जोशी, जीतू काका, प्रणय परसाई, राहुल पुरी के आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर DC अध्यक्ष मनोज रघुवंशी ने उद्घाटन मैच में अतिथियों एवं दोनों टीमों का स्वागत कर स्पर्धा की जानकारी दी। काका एवं परसाई ने दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हुए अच्छा क्रिकेट खेलने की सलाह दी। संचालन एडवोकेट रवि यादव एवं आभार DCA सचिव मनु गोस्वामी ने किया। बड़वानी और झाबुआ के बीच टॉस में झाबुआ ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया। बड़वानी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 140 रन बनाए। विजय गुप्ता ने सर्वाधिक 63 रनों का योगदान दिया। महेश व तपन ने 2-2 विकेट लिए और जवाब में झाबुआ ने 9.2 ओवरों में 7 विकेट खोकर 141 रन बना लिए और यह मैच 3 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। झाबुआ के बल्लेबाज नीलेश राठौर ने 37 रन, संग्राम नंदी ने 27 रन और जितेंद्र टांक ने 24 रन बनाए। बड़वानी की ओर से कार्तिक गुर्जर ने 2 विकेट लिए। दूसरा मैच खंडवा एवं अलीराजपुर के मध्य खेला गया जिसमें अलीराजपुर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की। खंडवा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 140 रन बनाए। रोहित पंचाल ने सर्वाधिक 52 रनों का योगदान दिया। राहुल चौंडाग ने 3 और शौपाद ने 2 विकेट लिए। जवाब में अलीराजपुर ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 103 रन ही बनाए और यह मैच 10 रनों से वहां हार गई। इस तरह से खंडवा ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पार्थ सिंह ने 32 रन तथा राहुल ने 35 रन बनाए। खंडवा की ओर से हर्ष सोनी, रोहित और प्रशांत ने 2-2 विकेट लिए। मैच संचालन हेतु इंदौर से पर्यवेक्षक सुधीर सलाल, एम्पायर अमोल गुट्टे, दीपक शर्मा व स्कोरर जय शर्मा आए थे, जहां DCA सचिव मनु गोस्वामी ने बताया कि इंदौर संभाग के 7 जिलों की क्रिकेट टीम खरगोन आएगी, जहां खरगोन से हबीब आजाद, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर की टीम स्पर्धा में खेलेगी। स्पर्धा का फाइनल मुकाबला 25 मार्च को होगा। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। क्योंकि क्रिकेट का खेल हो रहा है और क्रिकेट के आप सब बच्चे नए हो और हमारे एम्पायर और ऑब्जर्वर भी जरा ध्यान दें कि ये दो जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी 80 के दशक में थे कि ये मैदान हो, चाहे कॉलेज मैदान हो, चाहे हायर सेकेंडरी का मैदान हो, ये लेदर से जब क्रिकेट खेलते थे, ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी होते थे बड़े बड़े यहाँ पर। जीतू भाई ओपनर बल्लेबाज सुनील गावस्कर के रूप में आते थे और कैसी भी बाल उस पर कैसे खेलना, लंबी पारी खेलने का अनुभव अगर जीतू भाई के पास है वो आज कहीं दिखने को नहीं मिलता है। जीतू भाई बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और आज भी मैदान से जुड़े हुए हैं और फिट दिख रहे हैं। हालांकि बोलते कम हैं, बैटिंग ज़्यादा उस समय भी करते थे और आज भी खेल के प्रति उतने ही चिंतित हैं। और हमारे प्रणय बाबा ये ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, इनकी बाल जब आती थी तो उस समय मार्सर और होल्डिंग का नाम चलता था, कपिल देव का नाम चलता था। तो ये खरगोन के ऐसे तेज बॉलर थे कि इनकी बाल को खेलना, अच्छे अच्छे बल्लेबाज चमकते थे और जब ये बैटिंग करने आते थे तो ये मैदान से उस पार छक्का मतलब तय था और इधर भी छक्का था, तो बाल ढूंढना पड़ती थी पहले। ये बाउंड्री वाउंड्री नहीं थी, ओपन था ही। तो बहुत अच्छे दोनों खिलाड़ी इस क्रिकेट में खरगोन में नाम स्थापित